एक एक्सपीरियंस देखो, पत्थर ही पत्थर गिर रहा हूँ ऊपर से और नीचे। क्या हाल है तेरे? वेलकम बैक अनदर ब्लॉग गाइस। और आज मैं जा रहा हूं दोस्तों ऋषिकेश, और ये नहीं जा रहा भाई, ये नहीं जा रहा, ये कहीं और जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा। आंख दिखाता है मादर जात, आंख दिखाता है, उंगली दिखाता है, और ये भी जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, लेकिन वहां नहीं जा रहा, ये जा रहा है जलोरी पास। ओ बेटा उठ जा, बेटा उठ, बेटा उठ, कहां जा रहा बेटा तू? ये जलोरी पास जा रहा है अपने बेटे, ठीक है। और हमें जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, और ये अलग बंदों के साथ जा रहे हैं, बंदियों के साथ, देख लो ठीक है, हरामी बंदा एक नंबर का। देख लो उसकी शक्ल, शक्ल कितनी हरामी है, आंख दिखाता है ये मादर जात। तो गाइस अभी यहाँ से निकलेंगे, निकलते हैं, अभी बज रहे हैं 7 बज गए, और जो मेरी बस बस नहीं है, गाड़ी बजा रहे हैं, 7 बजे फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और लोंडे का अपना चैनल भी है, पैकिंग कर रहा है, चैनल का नाम बता भाई, PR75 लोंडे का चैनल है, बंदे ने मुझे के भी है, PR75K बंदे ने मुझे 1,00,000 रुपए दिए हैं चैनल प्रमोट करने का, ध्यान रखना। भाई कुछ नहीं दिया, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना। हमारे जाने की खुशी में बंदा उठ के बैठ गया, बॉडी दिखाएगा, बज रहे 4:30 और ऋषिकेश पहुंच गए सुबह 4:30 बजे। लेकिन भाई सुबह सुबह बात एक है, देखो दोपहर को थोड़ी गर्मी हो जाएगी, लेकिन जो मौसम हो रहा है एक नंबर का हो रहा है, तो अभी आपको लेके चलता हूँ। कौन सा झूला भाई? ये राम है लक्ष्मण झूला, ये राम झूला, ये राम झूला। तो भाई सुबह का जो मौसम है एक नंबर का आपको यहाँ मिलने वाला है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार सुबह सुबह। एक बार देखो व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आपको मिलेगा, और फोटोग्राफी शुरू हो गई है यहाँ पे। हाँ भाई राम झूला पहुँच गया हूँ भाई, सुबह का नज़ारा कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस 4:30 बजे का, 4:30 बजे का एक्सपीरियंस सुबह का, तड़के पहुँच गए, क्या हवा चल। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं कैंपिंग, करने वाले हैं राफ्टिंग, करने वाले हैं, और उसके अलावा नीर वाटरफॉल ट्रैक पे जाएंगे। तो जो भी पैकेज होगा सारा मैं आपको शेयर करूँगा, कितने रुपए में, मतलब आपका जो भी बजट यहाँ पे टोटल बैठता है। तो वीडियो को देखना चाहिए आपको लास्ट तक। ए क्या हाल है तेरे? क्या हाल है तेरे? सब्सक्राइब कर दिया जाके पक्के। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठे हुए थे, 1 घंटा हो गया मैं बैठे हुए, रोशनी हो गई है। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से लक्ष्मण झूले की तरफ, राम झूला इससे पहले दिखा दिया मैंने आपको। अभी मैं यहाँ पे हूँ परमार्थ आश्रम पे, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो यार, एक नंबर का, पीछे बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे शिव जी की मूर्ति लगी हुई है पीछे, और एक नंबर का यार, मतलब यहाँ से व्यू आ रहा है ना, एक नंबर का, ये देखो बहुत यार, मतलब एक तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और 1 घंटे से हम वहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पे वहीं बैठे हुए, वहाँ पे 1 घंटे से बैठे हुए थे यार, बहुत मज़ा आ रहा था। और आपको इधर का मैं जरा व्यू दिखाता हूँ, जरा बहुत जबरदस्त, पीछे का व्यू देखो यार कितना ज़बरदस्त है, एक नंबर का यार, मतलब व्यू, और मज़ा आ गया यार, कुछ भी कहो। और अभी हम यहाँ से देखेंगे यहाँ से, और उसके बाद हम जाना है कैंप साइट में, और उसका भी मैं बताऊँगा क्या प्राइस है, कौन सा कैंप साइट सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए यहाँ पे, मतलब ठीक है। तो लड़ाई बाद में करना, पहले ना जाके वंशमजे को ना दोनों को दोनों सब्सक्राइब करो, फिर लड़ाई करना ठीक है, नहीं लड़ाई बाद में। कहाँ आ रहा तू?
सब्सक्राइब करके जा, चल सब्सक्राइब कर पहले से पक्के, चल अब जा। सो गाइस, हवा काफ़ी तेज चल रही है और मैं पहुंच गया फिर लक्ष्मण झूला पे, सामने लक्ष्मण झूला बीच साइज में छोटा है, थोड़ा सा राम झूले से थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो मैंने आपको दिखाया था अंधेरे में, तो अब रोशनी हो गई है तो इस पर लाइटें नहीं जली है, वैसे इस पर भी लाइटें जलती है बिल्कुल सिमिलर। सो गाइस, ये लक्ष्मण झूला था आपने देखा और ये अपना कुत्ता आ रहा है यहाँ से। हाँ भाई, सब्सक्राइब ओके भाई, सब्सक्राइब। सो गाइस, अभी बैठे हैं हम एक लोकल ढाबे पे और यहाँ पे खाने वाले हैं। आपका खाना मैंने किया है पूरी छोले ऑर्डर और भाई ने क्या ऑर्डर किया है? गोभी पराठा। गोभी पराठा लेकिन विदाउट प्याज, नवरात्रों का टाइम है तो यहाँ पे प्याज मिलना पॉसिबल नहीं है, आदत हो गई है, कुछ भी दे दो वो खा लेंगे कुछ भी। जी भाई, पता नहीं क्या चल रहा है, भाई क्या चल रहा है भाई, मैसेजेस ऐसे कर रहे हैं लोगों को। क्या मैसेज कर रहे हैं भाई, यहाँ भी लोगों को दिखाया जा रहा है, माया क्या जा रहा है, क्या करा जा रहा है भाई, ये चीज़ें नहीं दिखा सकते भाई, ये ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। ग्रुप का नाम क्या है बता दे जरा, ग्रुप का नाम बता दो। ग्रुप का नाम क्या है, मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, बोल नहीं सकता। मैं बोलूंगा भाई, ग्रुप का नाम क्या है, कौन से वाला? आप बोल के देखा, आप बोल के देखा, आप क्या बोलो भाई, नाम ही ऐसा भाई ग्रुप का। तो भाई गोभी का आ चुका है, गोभी लेकिन कुत्ती नहीं है ना भाई, गोभी कुत्ती नहीं है ना, ये बताओ मेरे मक्कड़ वाले भैया, मक्कड़ वाले भैया मक्खन लगाते हुए अपने भी आ गए हैं, छोले और पूड़ी, ठीक है तो खाते हैं भाई इसे ख़त्म करके ना फिर मिलते हैं। अभी हम पहुंच गए अपनी कैंप साइट पे, सारी हमारी कैंप साइट है जैसा कि देख सकते हो, और हम रुके हैं इस वाले टेंट में, ये हमारा टेंट है, आज यहीं सोने वाले हैं, ठीक है। जो भी फेयर वगैरह होगा तो सारा मैं ना शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो एक बार दिखा देता हूँ आपको किस तरह से हैं, एक बेड यहाँ है, एक बेड यहाँ है और एक ये सो रहा है मादर जात, ठीक है। तो इस तरह से अपना टेंट है और अभी हम जाएंगे नीर वाटरफॉल के लिए, ट्रैक है, हाइक है, ट्रैक नहीं है, छोटा सा हाइक होने वाला है, तो वहाँ भी अभी जाएंगे और जो भी होगा अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल मैं अभी एक घंटा में सोने वाला हूँ भाई, बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, रात के निकले हुए हैं तो मैं अभी सोता हूँ, फिलहाल आपको मिलता हूँ एक घंटे बाद। One hour later. So guys, अभी सो के उठे हैं और एक घंटे से ज़्यादा ही सो लिए, पता नहीं चला, और अभी यहाँ से आ रहे हैं नीर वाटरफॉल, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ना, नीर वाटरफॉल यहाँ से सिर्फ डेढ़ किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अराउंड है यहाँ से, और शायद वहाँ पर जाके नहाएंगे और ड्रोन शॉट भी अच्छे अच्छे लेंगे, और बाकी आपको स्टे वगैरह सब बता दूंगा, क्या प्राइस रहने वाला क्या होगा। तो अभी मैं सारा कुछ इसके यहाँ नीर वाटरफॉल के आने के बाद ना सारी बातें क्लियर करूंगा आपसे, तो पहले चलते हैं ऊपर, ठीक है, नीर वाटरफॉल की तरफ। फिलहाल गाइस, ये वाली गाड़ी है जिसमें मैं आया था, लेकिन इसमें नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, जो गाड़ी है गाड़ी को छोड़ दिया, गाड़ी को जाने दो, हम जाएंगे इस वाली बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर तक, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा अराउंड 1 किलोमीटर, तो बस चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से पहले। सो गाइज, अभी यहाँ से हो जाएगा, देखो ये देख रहे छोटा सा हाइक है एक आधे किलोमीटर का, तो यहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा, तो करते हैं ना यार, करते हैं, देखते हैं कितना कैसा वाटरफॉल है। मैं तो भाई देखो सीधी बात है, नीर वाटरफॉल में पहली बार है और ऋषिकेश आना बहुत बार हुआ है, तो वैसे तो जगह सही लग रही है, ऊपर जाके पता चलेगा कितना है क्या है। अरे भाई, कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है उधर पानी आ रहा था भी, वो देख आ रहा है पानी, गर्मी में जब ऐसे पानी दिखता है तो कैसा लगता है भाई, अमेजिंग। तुम नहाने तो वाले बनी बस बोल रहे हो, बस ना फायदा क्या, तुम नहाओगे भाई? ना भाई ना, क्यों नहीं नहाओगे भाई, हफ्ता भर हो गया तुम्हें ना नहाए हुए, बिल्कुल हफ्ते भर से नहीं नहाए भाई, भाई नहा लो नहा लो, सड़ जाएगा शरीर। ऊपर का व्यू कैसा दिखेगा, कहाँ ऊपर और ऊपर कहाँ जा रहे हैं भाई,
वाटरफॉल मेन वाला जो जो मेन ऊपर से आता है, ऊपर नहाने में मजा आएगा भाई। तो ये क्या था भाई? अरे मतलब गिर रहा है तो अलग अलग पॉइंट बना रखा है, अलग अलग पॉइंट बना रखा है जो मेन है ऊपर टॉप पे जाके। हाँ भाई चलो ऊपर चलते हैं भाई, देखने मजा आना चाहिए भाई ऊपर जाके। नहाओगे तुम भी नहीं भाई, तुम तो यहीं रहते हो भाई। तो गाइस ये दूसरा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है ना वो बिल्कुल ऊपर है, तो बिल्कुल हम वहीं जा रहे हैं। धूप हो रही है अब, थोड़ी सी सांस फूलने लगी है भाई। यहाँ पे लगातार चल रहे हैं, रुके नहीं है बिल्कुल भी भाई। कितना और रह गया? 250 मीटर। 250 मीटर भाई, तो भाई पहाड़ों पर रह रहे के ट्रेंड हो गए हैं, कुछ ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो लोगों को देखो, पकड़ पकड़ के आ रहे हैं, इतनी स्थिति हो रही है। भूल ना सो गाइस, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए, तो देख सकते बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं। और ये ना यहीं आज नहाने वाले हैं भाई। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? ऊपर ऊपर कहाँ? कुंजापुरी निकलोगे क्या? हो गया भाई, भाई भागे जा रहा है बंदा, मतलब रुक ही नहीं रहा भाई। वाटरफॉल ये भाई, ना ये वाटरफॉल, ऊपर नहीं जाना भाई। नहीं भाई हम और ऊपर भी जाएंगे, पता करेंगे। ज्यादा धूप लग गई, हर मैदान फतह। हां ज्यादा धूप लग गई मुझे लग रहा है। भाई क्या हो रहा है? क्या हो रहा भाई? ओह क्या किया भाई? धूप काफी हो रही है, हो सकता है ड्रोन शॉट थोड़े अच्छे ना आए हों, जैसे भी होंगे ना यार, फिर भी मैंने डाल दिए हैं वीडियो में, ठीक है। बाकी बहुत ऑसम व्यू था। अब वापस आ गए कैंप में, अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे फिर। सो गाइस ये रोटी है यहाँ पे, और चावल, राजमा, आलू की सब्जी मिलेगी, और ये क्या भाई? मटर पनीर भाई, और ये रायता। सो गाइस खाना खा लिया है, पेट भर गया है, रेस्ट करने का टाइम नहीं है। अभी जा रहे हैं हम एक टेम्पल जा रहे हैं। भैया कौन सा टेम्पल जा रहे हैं? कुंजापुरी माता मंदिर। अच्छा तो वहाँ जाएंगे हम, सिद्धपीठ मंदिर। अच्छा मुझे आप एक चीज़ बताओ भाई, ये पहले बता दूँ आपको, इन्होंने सारा कैंप अरेंज कराया हमारा। अच्छा भाई थोड़ा बहुत ना पैकेज के बारे में बता दो, किसी को यहाँ पे आपके कैंप में आना है मतलब, तो क्या फिर भी पैकेज रहता है, क्या कॉस्ट रहती है भाई? जी हमारी कॉस्ट 2000 रुपीज पर पर्सन की होती है, जिसमें कैंपिंग राफ्टिंग इंक्लूड है। राफ्टिंग आपकी 16 किलोमीटर वाली होगी, कैंपिंग पैकेज में आपके 3 मील्स इंक्लूडेड। ओके, बॉनफायर और स्नैक। एक वन नाइट का स्टे होगा पूरा? जी वन नाइट टू डे। हाँ वन नाइट टू डेज, वन नाइट मतलब आप लंच में चेक इन करोगे, अगले मॉर्निंग राफ्टिंग के लिए चेक आउट। ओके 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 ओके, मतलब सेकंड डे आधा हो जाएगा मतलब लगभग लगभग कुल मिला के। और 2000 रुपये में काफ़ी अच्छा है, और यहाँ आसपास सबसे बढ़िया बात है कि नीर वाटरफॉल बिल्कुल पास पड़ता है, तो बंदा यहाँ से जा सकता है इजीली। और ऋषिकेश वैली पूरी दिखाई देती है, ऋषिकेश वैली पूरी दिखाई देती है, तो मतलब यहाँ पे आप आ सकते हो। बाकी अगर किसी को आना है सस्ते में, यहाँ पे मतलब कैंपिंग वगैरह करनी है, अच्छा मज़ा लेना ना, तो नंबर आपको एक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी बात कर लेना। यहाँ पे कोई ऋषिकेश आता है वैसे आप सारा से गाइड कर दोगे ना भाई? बिल्कुल, यहाँ मतलब सारी गाइडेंस कर देंगे। तो बाकी और देखते हैं यहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, तो वहाँ के लिए ना अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ के लिए निकलते हैं यहाँ पे। तो गाइस निकल गए हम कुंजापुरी टेंपल के लिए। टेम्पल पे क्या नाम बताया था? मैं नाम भूल जाता हूँ, कुंजापुरी माता मंदिर। तो अपने भाई को हो गया माता के दर्शन, और वो टेम्पल था सामने,
अंदर ज़्यादा शूटिंग अलाउ नहीं होती, और इधर से आपको वैली दिखाता हूँ, एक नंबर की ज़बरदस्त जगह दिखेगी। ये देखो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आ सकते हो, ऋषिकेश से थोड़ा सा मतलब दूर पड़ने वाली है वैली। पचास से भाई ऋषिकेश से कितने किलोमीटर अराउंड होगी ये जगह? 20 किलोमीटर अराउंड है, लेकिन भाई जगह ना एक नंबर की है। अपना राजगुंडा भाई, राजगुंडा भाई कैसे हो? प्रसाद खाता हुआ, माता रानी का जय माता दी। ओए ओए सब्सक्राइब मत कर, मत कर ठीक है, सब्सक्राइब कर दियो, भक्के भक्के। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग गाइस, सेकंड डे इन ऋषिकेश, और रात में ही सोए थे, और अभी उसके बाद चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट लग चुका है, तो ब्रेकफास्ट लग चुका है, देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। ब्रेड मिलने वाली है, इसके अलावा मिक्स फ्रूट जैम, पूड़ी, छोले, इसमें क्या मिलेगा, अंडे, बॉयल्ड एग, बॉयल्ड एग और शायद चाय। यस चाय, ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा नाश्ता है, तो मैं तो भाई अंडे खाने वाला। सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, ठीक है अब निकलेंगे यहाँ से राफ्टिंग के लिए। कितने बजे निकलेंगे भाई? ब्रेकफास्ट का 16 किलोमीटर है ना? 600 पहुंच गया हम यहाँ पर ऋषिकेश राफ्टिंग के लिए। शिवपुरी करने वाले 16 किलोमीटर, लेकिन अब जो है ना कि अब यहाँ यूनियन का कुछ हिसाब किताब हो गया है। पहले क्या होता था, जितने मर्जी रेट में आप कर सकते थे, मतलब 300 400 500 जो भी होता था, जो जितने में मतलब कट जाता था उस हिसाब से रेट होते थे। लेकिन अब जो रेट है ना फिक्स हो गए हैं, 1000 रुपीज़, चाहे राफ्टिंग कितनी भी करो, जो रेट हर किलोमीटर के हिसाब से फिक्स हो गया। अगर आपको यहाँ से करनी है, अगर 9 किलोमीटर की राफ्टिंग करनी है, तो उसके लिए 600 रुपीज़ या 650 के आसपास है, और अंदर से 16 किलोमीटर वाली करनी है, 60 किलोमीटर वाली, तो उसके लिए जो यहाँ पे रेट है वो रखा गया यहाँ पे 1000 रुपीज़। He panel got 3 parts divided. This is called the T-lock. Can you show me now, everyone, like all? Thank you. ऊपर तो 4-finger lock है ना? Okay, this is called the blade part. यहाँ से 6 inch ऊपर आना। So guys, यहाँ से हमारी होगी rafting start हो जाएगी अब। Hello. तो 16 किलोमीटर जाना, लगभग 2 घंटे लगेंगे। और देखते हैं क्या होता है। अपना GoPro लगा हुआ है यहाँ पे, GoPro Hero 7. बहुत ही अच्छी स्टेबलाइजेशन यार, मज़ा आता है मतलब इसे यूज़ करके बाकी कैमरों के मुकाबले। एक देखा 72 आर्क, तो किसी को पैनिक बिल्कुल नहीं होनी। तो उसमें एक कंडीशन है हमारे पास, जो बंदा गिर गया उसको रेस्क्यू मैं करूँ, ऐसे नहीं अदरवाइज। आप कह रहे मेरी फ्रेंड है, कोई कह रहा मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कुछ भी, तो वो बंदा नहीं करेगा, वो करेगा उनका आप उठोगे हाथ से बैलेंस। सो गाइस रैपिड नंबर 2, 16 किलोमीटर में, तो एक एक्सपीरियंस देखो, अब पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, और नीचे राफ्ट, ये देखो। कलाबाओ, दिस इज कलाबाओ रैप।